बात छोटी हो या बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य अपने हर काम में सफल होना चाहता है। जीवन में अनंत दरवाजे मौजूद हैं। आप बहुत मेहनती हैं तो आप कुछ दरवाजे खोलेंगे। आप बुद्धिमान हैं तो कई दरवाजे खोलेंगे। पर अगर आप वाकई जीवंत हैं तो दरवाजे खुद खुलेंगे। सफल होना लोगों के लिए इतना जटिल हो जाता है कि वो सफलता क्यों चाहते हैं ये आम तौर पर वो बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो सफलता के सिद्धांत बुनना शुरू कर देते हैं। हर तरह के सिद्धांत, जैसे सफलता क्या होती है। तो सफलता से जुड़े ये सिद्धांत रुकावट बन सकते हैं, और मैं लगातार ऐसे लोगों के साथ रहा हूं। वो एक हद तक सफलता पा चुके हैं, पर उनका जीवन उनकी सफलता के सिद्धांत में फिट नहीं हो रहा है और वो ढांचा टूट रहा है। पर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है। कुछ गलत नहीं है, वो बस बेहतर हो रहे हैं। स्थितियां उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, पर उनके सिद्धांत टूट रहे हैं, तो वो अपनी सफलता से दुखी हैं। आपको कई लोग ऐसी चीजों से गुजरते हुए दिखाई देंगे। अगर सफलता की बात करें तो मुझे यकीन है कि आपके पास योजनाएं होंगी कि जीवन में सफल कैसे होना है। आपकी योजनाएं हैं? योजना ठीक है, योजना अच्छी होकर भी एक उलझन हो सकती है, क्योंकि आप आज जो जानते हैं उसी से योजना बनाते हैं। योजना किसी अनजान चीज पर आधारित नहीं होती। आपकी योजना यानी आज को बढ़ा चढ़ाकर कल की कल्पना करना। अभी आप यहां एक स्तर पर हैं। आपकी योजना यह होती है कि ये इतने वर्षों में 10 गुना होना चाहिए, या 100 गुना, या 1,00,000 गुना हो जाए। पर योजना यानी आज की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर की गई कल्पना। शायद इसके पीछे कोई तर्क हो, शायद आप उससे जुड़ी चीजें समझते हो, पर मूल रूप से आप आज की ही बढ़ा चढ़ाकर कल्पना करते हैं। यानी कई मायनों में वो सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं जो अभी आपके अनुभव में नहीं हैं। तो योजनाएं परेशानी बन सकती हैं। योजनाएं बनाना अच्छा है, पर ज्यादा जरूरी यह है कि एक उद्देश्य हो। अगर उद्देश्य है तो योजनाएं बनती जाएंगी, योजनाएं फेल होंगी और फिर नई योजनाएं बनेंगी। जो होना है होगा। आप एक उद्देश्य पर टिके रहें तो बाकी चीजें उस उद्देश्य की मदद करेंगी। पर अगर आप किसी योजना पर टिके रहेंगे तो वो योजना खुद एक रुकावट बन सकती है। योजना संभावना भी है। योजना बनाकर रखना ठीक है, लेकिन आपको योजना को थोड़ी दूरी पर थाम कर रखना चाहिए। आपको योजना से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए। सफलता की प्रक्रिया देखिए, मूल रूप से सफलता की चाह हर इंसान में होती है। आप उसमें थोड़ी आग डालकर उसे अपना जुनून बना सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके अंदर की एक जरूरत बन जाती है कि आपको सफल होना ही है वरना आपको बहुत दुख होगा, तो फिर आप दिक्कत में पड़ने वाले हैं, एक गंभीर दिक्कत। हमारे जुनून जहर बन सकते हैं। अगर हम उन जुनून के सफल न होने पर नाराज होने लगें तो जहर बनने से मेरा मतलब है कि आज ये दिखाने के लिए काफी मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत हैं कि नाराज होने पर, जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं, तो आज डॉक्टर चेक कर सकते हैं। हम आपका खून लेकर यह देख सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में जहर डाल रहे हैं। ये वो जहर है जो आप पीते हैं पर दूसरे के मरने की उम्मीद करते हैं। जीवन ऐसे नहीं चलता। अगर आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे, यही ठीक है। यही ठीक है ना? आप जहर पिए तो आपको मरना चाहिए। मैं जहर पीकर उसे मारना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी भावनाएं हमारी क्षमता को छीन लेती हैं। देखिए, इंसान में प्रतिभा नाम की एक चीज होती है, हर इंसान में होती है। वो उसे जीवन में कभी ना कभी छूता है, पर प्रश्न यह है कि आप उसे कितनी बार छूते हैं, यही प्रश्न है। आप अपने जीवन में एक बार चमके ये काफी नहीं है, आपको हर समय चमकते रहना चाहिए, है ना? प्रतिभा क्या होती है, इसे समझने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका यह है
कि हम हमेशा तार्किक विचारों को ही बुद्धि मानते हैं। नहीं, तार्किक विचार शायद अगले 25 वर्षों में बेकार हो जाएगा, क्योंकि तब शायद आपका कंप्यूटर हर तरह के तार्किक विचार पैदा करने के काबिल हो जाएगा, आपसे कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा तेज। तो प्रतिभा को छूना यानी अपने अंदर मौजूद बुद्धि का दूसरा आयाम छूना। अगर कोशिश की जाए तो आप हर अचेतन प्रक्रिया को एक जागरूक प्रक्रिया में बदल सकते हैं। जागरूकता में अगर इस बुद्धि की एक बूंद भी आपको मिल जाए तो अचानक जीवन एक जादू की तरह चमक उठेगा। जो काम लोग मुश्किल से करते हैं वो आपके लिए आसान होगा। अब जब मैं बुद्धि कहता हूं तो लोग हमेशा ये सोचते हैं, अगर मैं लोगों से पूछूं कि बुद्धि कहाँ है तो सभी हमेशा यही कहेंगे, है ना, वो ये या ये या ये या ये नहीं कहेंगे। पर आपके शरीर की एक कोशिका आपके दिमाग से कहीं ज्यादा काम कर रही है। डीएनए का एक अणु एक मिनट में इतने लाखों काम कर रहा है कि आप कभी समझ ही नहीं सकते, है ना। तो योग में या योग विज्ञान में हम कभी भी किसी चीज को मन नहीं मानते। मन जैसी कोई चीज नहीं होती, एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर है। शरीर से सोचना सीखना होगा, सिर्फ दिमाग में ही नहीं, शरीर से भी सोचा जा सकता है। आप शरीर से सोचना सीख लें तो कभी सिरदर्द नहीं देगा, यह सबसे अच्छी बात है। इतनी जिम्मेदारियां हैं और कई चीजें एक साथ चल रही हैं तो क्या तनाव नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप अपने एक गहरे आयाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी कर सकते हैं। यह आयाम सभी में है। शायद आपके तर्क का स्तर किसी दूसरे से कम हो, सभी की तार्किकता अलग अलग होती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति बनाए कि सिस्टम के अंदर जो भी है वो आपके लिए उपलब्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति का सफल होना तय है।